यहाँ इस वक्त हम ITO पर मौजूद है और यहाँ भी जो ITO के पास जो निचले इलाके हैं यमुना के किनारे, उनको भी लगातार खाली कराने का काम जारी है। जिस तरह से हरियाणा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यमुना का जो पानी है वो कितना ऊपर आ चुका है। इस वक्त बेहद नज़दीक है हमारे और लगातार जो ये लेवल है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है कि शाम 4 या 5 बजे तक ये लेवल और ऊपर आ जाएगा। तो लगातार जो यहाँ लोग हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी खाट डालकर लोग इसी यही निगाहें बनाए बैठे हैं कि पानी कितना बढ़ रहा है, अब वो खतरे से बाहर हैं या नहीं हैं, उनकी जो सारा सामान है, घर है, वो डूबेगा या नहीं। तो फिलहाल ये लोग यहीं पर इसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, निगाहें बनाए बैठे हैं यमुना के जलस्तर को लेकर। और कुछ लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी जो है बने हुए हैं, अभी भी हालांकि सामान सबके पैक है। अगर आप झुग्गियों में अगर कुछ अंदर का अगर आप देखें तो सामान सब ने पैक किया हुआ है। और अगर थोड़ा आगे आप आएंगे तो जो पीछे की ये झुग्गियाँ हैं उनमें तो पानी भर चुका है। अगर आप देखें तो ये तो पानी इनमें भर चुका है, तो यहाँ तक तो पानी पहुँच चुका है। लेकिन जो थोड़े से अगर और ऊपर आए तो यहाँ अभी फ़िलहाल राहत है। लेकिन अभी भी लोगों का यही कहना है जो इन झुग्गियों में रह रहे हैं कि अगर ये पानी थोड़ा ऊपर आएगा तो ही हम हटेंगे। परिवार तो यहाँ वही कम से कम आपका होंगे 50-55 के करीब। 50-55 की परिवार, अच्छा। तो अभी भी लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग अभी यहाँ से हटे नहीं हैं। नहीं मैडम, एक्चुअली मैं हट तो सब गए हैं, बाकी ये है थोड़ा बहुत जो पानी है वो कह रहे हैं कि हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। बाकी सामान वगैरह सारा इन्होंने बाहर रख दिया है अपना, जहाँ दिल्ली सरकार ने। कुछ मुश्किलें भी आ रही है मैम? मुश्किलें क्या, अब थोड़ा सा इनका सामान भी निकलवाना पड़ रहा है हम लोगों को। कुछ हो गए घर पानियों में भी डूबे हुए हैं, यही ना इतला देते फिर रहे हैं हम लोग कि भाई यहाँ से निकलो और आपकी सेफ्टी के लिए बाहर हमने इंतजाम कर रखा है। तो यहाँ इस तरह से परिवार अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, कुछ इमोशनली अटैचमेंट आपका भी हुआ नहीं हुआ? हाँ मैडम, कुछ लोग सबका सामान पैक करा कर लगभग जितने भी पानी जाएगा जैसे ऊपर ऊपर से करते रहेंगे, और भी बाकी हैं अंदर और भी आगे घर हैं आगे वो फंसे हुए हैं, उनसे बोल के सबको सामान पैक करा लगा है। जब जैसे आगे पानी बढ़ जाएगा ऐसे फंस जाएंगे। तो क्या लगता है कब तक पानी और बढ़ सकता है? कुछ शाम तक और पानी बढ़ जाएगा वैसे पानी। अच्छा, शाम तक ऐसी आपको इत्तला मिली है? जी, पीछे से पानी छोड़ा गया उसको इत्तला मिली है हमें। अच्छा। जितने भाई डिफेंस वाले लड़के हैं सब ड्यूटी पे लगे हुए हैं सारे मोस्टली। और इनके खाने पीने का? हाँ, पानी पीने सारी सुव्यवस्था, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और बेड पर दिए गए थे मॉर्निंग में। यस, चलिए। तो राहत कैंप अपनी तरफ से पूरी तरह से चलाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की परेशानी यहाँ लोगों को ना हो। लेकिन शाम 4 बजे तक एक बार फिर से यहाँ वार्निंग जारी कर दी है कि पानी और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है। तो ऐसे में अभी भी गंभीर हालात बने हुए हैं। दिल्ली के ITO से कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़।